हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश राजपूत और आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल राजपूत वाइन में। सो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम पर रियल फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। सो गाइस, मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे रियल फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। मैं किसी भी ऑटो वेबसाइट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ रियल फॉलोअर्स चाहिए तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ऑटो फॉलोअर्स भी चाहिए तो मैं आपको लिए उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको आप अपने पैसे देकर भी इंस्टाग्राम पर ऑटो फॉलोअर्स ले सकते हो, प्लस आप चाहो तो फ्री में भी ले सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट प्लस एप्लीकेशन है, उनकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम पर ऑटो फॉलोअर्स भी ले सकते हो। बट इस वीडियो में आपको रियल फॉलोअर्स के बारे में बताऊँगा, वो भी 3 ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जो फ्रेंड्स न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे आपको एक बेल आइकन आएगा छोटा सा, इस पर ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि बेल से पता चलेगा ना भाई न्यू वीडियो कब आई है और जिस न्यू वीडियो में आपको एक नया कोड जरूर मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रिक में आपको फॉलो बैक मिलता है। मतलब यहाँ पे देख लो, नहीं मेरा अकाउंट है, यहाँ पे देख लो अच्छे से, ये यूज़र नेम शशि देवी 77, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देख लो बेस्ट सपोर्टर, यहाँ पे फॉलो बैक मिलता है 12 आवर्स के लिए, 12 घंटे के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस्ट सपोर्टर कैसे बनना, अगर आप यहाँ पे बेस्ट सपोर्टर में आपका इंस्टाग्राम पे नाम आता है तो आपका 150 से 200 फॉलोवर्स इंक्रीज होता है, वो भी रियल, ऑटो वाला नहीं है, ठीक है ना भाई, रियल। अगर आपका यहाँ पे नाम आता है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 21 बंदों का नाम आया भी आप देख सकते हो, तो इनको 12 घंटे के लिए फॉलो बैक मिलता है, 12 घंटे में इनका 150 से 200 रियल फॉलोवर्स इंक्रीज होता है। तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बेस्ट सपोर्टर कैसे बनना है, तो फर्स्ट ट्रिक यही है, इंस्टाग्राम पे बेस्ट सपोर्टर बनो और रियल फॉलोवर्स बढ़ाओ, ठीक है। पहली ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 3 ट्रिक बनाऊंगा, तीनों को अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो अब इंस्टाग्राम पे आपको बेस्ट सपोर्टर कैसे बनना है, सबसे बेस्ट पॉइंट है आपका बायो, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम में जो बायो होता है ना, यहाँ पे देखो ना, ये बायो मेरा लिखा हुआ है, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो ऐसा आपका बायो, आपको बायो क्या डालना है, देखो आपको DSD फैमिली, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल आएगा ना आपका इंस्टाग्राम, देख रहे हो इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको एडिट प्रोफाइल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये बायो दिख रहा है, आपको यहाँ पे बायो मिल जाएगा, ठीक है ना। ये है बायो, यहाँ पे आपको बायो डालना है, बायो में क्या लिखना है आपको, DSD फैमिली, यहाँ पे देख रहे हो ना। यहाँ पे आपको कोड डालने की जरूरत नहीं है, कोड आपको फेसबुक पर ही डालना है, यहाँ पर कोड नहीं डालना है। जितने भी फ्रेंड्स मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोड नहीं डालना है इंस्टाग्राम पे, सिर्फ आपके बायो में DSD फैमिली, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना DSD फैमिली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बायो में DSD फैमिली लिखाना। यहाँ पे आपको बायो लिखे, यहाँ पे सेव चेंज क्लिक कर देना ऊपर कॉर्नर पर, ठीक है। सो गाइस, आपके बायो में DSD फैमिली लिखाना चाहिए। अब आपको बता दूँ इंस्टाग्राम पर आपको बेस्ट सपोर्टर कैसे बनना है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे जैसे आप मेरा ओपन करोगे, यहाँ पे देखो ये मेरा इंस्टाग्राम है, सर्च करना आपको शशि देवी 77 और रियल आईडी पे आना, फेक अकाउंट से मत जाना, ठीक है ना। आपको रियल आईडी को मैं पहचान बता देता हूँ, मतलब आप देख लेना, आपको रियल आईडी की तो पहचान नहीं हो ही जाएगी, मतलब 146 के कुछ फॉलोवर्स है, ठीक है ना। बहुत सारे फेक अकाउंट है, फेक अकाउंट पर मत जाना, ठीक है, फॉलो करके रखिएगा। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बेस्ट सपोर्टर कैसे बनना है, तो गाइस यहाँ पे देखो, जैसे आप प्रोफाइल पे आओगे यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पहला होम पेज है, यहाँ पे आपको मेरे पिक देखने को मिलेगा, सेकंड यहाँ पे रील्स, जो अभी नया सिस्टम आया ना रील्स का, ठीक है ना, वो होगा, एक ये भी ऑप्शन है, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो ना आप, ये टैग वाला है, यहाँ पे आपको आ जाना है सिंपली, ठीक है ना। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है लास्ट वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फोटो मिलेंगे, देखो ना यहाँ पे कितने सारे। तो यहाँ पे बेस्ट सपोर्टर वॉचिंग होती है भाई 8 से 9:30 बजे तक, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लो बायो में अच्छा कैसा है, यहाँ पे जैसे फेसबुक पर बायो होता है ना, वहाँ पे सब कुछ मैं लिख देता हूँ ना बायो पे, वैसे यहाँ पर बायो में सब कुछ लिखा हुआ होता है, बायो को अच्छे से पढ़ लिया करो। तो यहाँ पे देख लो वॉचिंग लिखी है, वॉचिंग ऑन 8 PM to 9:30 PM, मतलब रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक बेस्ट सपोर्टर की वॉचिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत सारे पिक आए हुए पड़े, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सारे पिक गायब हो जाएंगे। अब देख लो कितने सारे न्यू पिक आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में टाइमलाइन चलती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, फटाफट से लाइक करना है, लाइक कैसे करना है वो भी आपको अच्छे से बता दूँ, कैसे लाइक करना है, किसको लाइक करना है, कैसे आपको बेस्ट सपोर्टर बनना है, ठीक है ना। सो गाइस, यहाँ पे आपको लाइक करने का टाइम है भाई 8 से 9:30 बजे तक, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पर बेस्ट सपोर्टर की वॉचिंग होती है शाम रात को 8 से 9:30 बजे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी एक अकाउंट से दो पिक अपलोड करता हूँ। आप बोलोगे कि भैया पहले 5 पिक अपलोड करते थे, 5ों में से 2 या 3 पिक में नाम फंसाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं ऐसा है, अब ऐसा है कि अब मैं सिर्फ 2 पिक अपलोड करता हूँ, ओनली फॉर 2 पिक, और आपको उन दोनों पिक में नाम फंसाना है, लाइक आपकी होनी चाहिए। मतलब अब 2 पिक में लाइक कैसे फंसेगी, देखो 15 मतलब हर 15 मिनट में 2 पिक मेरी टाइमलाइन पे, मतलब उनको मैं मेंशन करता रहता हूँ, ठीक है ना। मतलब 8 बजे से जैसी वॉचिंग स्टार्ट होती है ना, तो मैं 8 बजे से मतलब 2 पिक मेरा अपलोड होगा, मेरा 2 पिक अपलोड करता हूँ, उन दोनों पिक में आपको लाइक फंसाना है। अब मैं क्या करता हूँ, उन दोनों पिक को बारी बारी मतलब 15 मिनट में 2 बार दोनों पिक को मेंशन करता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे देख रहे हो सारे, मतलब कितने सारे मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, मैं हर 15 मिनट में 2 बार पिक मेंशन करता हूँ,
15 मिनट में दो बार, फिर 15 मिनट में दो बार, फिर 15 मिनट में, मतलब कितना हो गया आप टोटल मान के चलो, मतलब एक पिक को 6 बार यहाँ टाइमलाइन पे आती है, मतलब एक पिक 6 बार टाइमलाइन पर शो करती है यहाँ पे 6 बार, और वो पिक किसी को नहीं पता कौन सी पिक है, क्या अकाउंट है, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो वो एक पिक 6 बार आती है और एक पिक 6 बार, मतलब 12 बार फोटो आती है टाइमलाइन पे इन डेढ़ घंटे के बीच में, डेढ़ घंटे में 12 बार पारा 6-6 बार दोनों पिक मैं मेंशन करता हूँ। तो आपको याद रखिएगा, आप लाइक कर रहे हो तो आपको लाइक चेक करना भाई, लाइक आपको किस फोटो पे ज़्यादा करना है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको लाइक पे फोकस करना है तो भाई देखो यहाँ पे लाइक देखो आप, आपको 200 से कम यहाँ पे देख रहे हो ना, 200 से कम अगर आपको लाइक दिख रहा है ना उस पर आपको फोकस करना है, लाइक मारना है, ठीक है ना, फटाफट से इस पर 200 से कम, जैसे आपको 200 से प्लस दिख रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है ना, छोड़ दो। इस पर आपको 200 से कम लाइक दिख रहा है ना, यहाँ पे देखते जाना आपको अच्छे से, मतलब 200 से कम जिस पे लाइक है ना उस पे फोकस करो लाइक ज़्यादा मारने का, ठीक है ना। 200 से ज़्यादा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना, 200 से कम है उसको फटाफट, यहाँ पे 400 है, ठीक है ना, अभी आप देख लो यहाँ पे 400 लाइक है तो आपको इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ठीक है ना, इसको मत मारो। जो जिस पे 200 से कम लाइक दिखना आपको उस पे लाइक करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब मैं दो पिक ही अपलोड करता हूँ, उन दो पिक को 6-6 बार मेंशन करता हूँ। अब सोच लो, हर कोई फंसा सकता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि इंस्टाग्राम पर वैसे वोटर नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। तो 6-6 बार मैं उन पिक को अपलोड करता हूँ, मतलब एक दो पिक अपलोड करता हूँ, उन दोनों पिक को 6-6 बार मेंशन करता हूँ। तो उन दोनों पिक में जिसका भी लाइक फंसता है उनको मैं यहाँ से फॉलो बैक करता हूँ 12 घंटे के लिए, 12 आवर्स, ठीक है ना, 12 आवर के लिए उनका, मतलब 150 से 200 लगभग फॉलोवर्स बढ़ ही जाता होगा, मतलब जिसका भी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बेस्ट में नाम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्रिक ये बता दी मैंने आपको, इंस्टाग्राम पे बेस्ट सपोर्टर बनो 150 से 200 फॉलोवर्स पर डे, पर डे आता है, ऐसा नहीं है कि पर डे नहीं आता, पर डे आता है। मॉर्निंग में 9 बजे से लेके सारा सुबह 9 से 12 बजे तक मैं फॉलो बैक दे देता हूँ जो अच्छा सपोर्ट करते हैं, सुबह फॉलो बैक देता हूँ 9 से 12 के बीच में, फिर रात को 12 बजे तक उन सबको अनफॉलो कर देता हूँ। नेक्स्ट डे अगले दिन जो अच्छे खासा सपोर्ट करता है उनको अगले दिन फॉलो बैक मिलता है। तो इस तरीके से आप भी अपने उन दो पिक में लाइक फंसाना, आपको कुछ नहीं है, आप ये देखना आपको जिसमें आपको यहाँ पे आप देख रहे हो 1613 लाइक, आप इनको छोड़ देना, इसको मत लाइक मारना, आपको जिस पे 200 से कम लाइक दिख रहा है ना आपको उस लाइक पे फोकस करना है, यहाँ पे देखो इसको छोड़ दो। सो आज आपको समझ में आ रहा होगा, ये है टाइमलाइन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आना है आपके बायो में द एचडी फैमिली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया मैंने द एचडी फैमिली, ठीक है ना, आपके बायो में प्लस, फिर आपको लाइक में, मतलब जो मैं दो पिक अपलोड किया हूँ उन दो पिक में आपको लाइक फंसाना है। यहाँ पे मैं 8 से 9:30 तक 6-6 बार दोनों पिक आती हैं टाइमलाइन पे, ठीक है, बार बार रिपीट होती हैं, तो उन पे आपका लाइक फंसना चाहिए दोनों पिक में। अब सो गाइस, ये एक छोटा सा वीडियो मैं अलग से बना के दे रहा हूँ, देखो आपको सपोर्ट कैसा करना है आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता चलेगा टाइमलाइन के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे आपको सिंपली टाइमलाइन पे जो देखना है ना, एक सेकंड, ये इस पर आपको सिंपली क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपको कितना सारा पोस्ट दिखेगा, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी आप देखो ये वाला फोटो, अभी आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है ना, अभी मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मतलब दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, एक रिफ्रेश में कितना फास्ट होता है, जस्ट वेट यार, नेट्स देखो, अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ ना तो वो फोटो देख रहे हो बिल्कुल गायब हो गया, मतलब वो फोटो आपको मिलेगा ना, तो इतना फास्ट होता है। तो आपको करना क्या, सिंपली टाइमलाइन जैसे ओपन करोगे ना तो आपको फटाफट लाइक करना है और 20 से 25 पोस्ट लाइक करना है, और याद रखिएगा आपको 200 से कम जिस पे लाइक करना है उस पर फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है ना। 25 से 30 पोस्ट को लाइक करना है, जैसे 25 लाइक कर देना, 25 से 30 लाइक करना है, फिर फटाफट से ऊपर आना और फिर से रिफ्रेश करना है इसको, ठीक है ना, फिर से रिफ्रेश करना है, एक बार थोड़ा नेट स्लो है, ठीक है ना, तो फिर से आपको रिफ्रेश करना है। सो गाइस आप देखो ना, फिर से न्यू फोटो आ गए तो आपको फिर से 25 से 30 फोटो को लाइक करना है, ठीक है ना, इस तरीके से 25 से 30 फोटो को आपको लाइक करना है, ठीक है ना, 30 कम से कम 30-35, याद रखिए आपको 30 से 35 फोटो को लाइक करना है, फिर आपको टाइमलाइन में आकर एक बार रिफ्रेश करना है, फिर न्यू फोटो आएंगे, फिर आपको ऐसा नहीं कि आप लाइक करते जा रहे हो नीचे के, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आपको समझ में आया होंगे। 25 से 30 पोस्ट लाइक करके और रिफ्रेश करते जाना है, फिर से लाइक करना है, ठीक है ना। इस तरीके से वो जो मैंने दो पिक अपलोड किया करूँगा ना, जो मेंशन मारूँगा उसमें आपका नाम ज़रूर फंसेगा, ठीक है ना, ऐसे करके आपको रिफ्रेश कर करके सपोर्ट मारना है, ठीक है ना, बार बार रिपीट होती हैं तो उन पर आपका लाइक फंसना चाहिए दोनों पिक में। अब बात करते हैं, अब ये तो दो हो गए रूल, अब आपको एक रूल और फॉलो करना पड़ेगा भाई, आपकी फॉलोइंग, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने जिसको भी फॉलो किया उनकी फॉलोइंग चेक कर लेते हो, अभी आप देख रहे हो इसका फॉलोइंग देखता हूँ, देखते हो आप इसका फॉलोइंग देखो 1904 फॉलोइंग है भाई, तो आपको समझ में आ जाए। अगर मैंने ऐसे बहुत सारे बंदे रिजेक्ट किए हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपका 1000 फॉलोवर्स है, मान के चलो आपका, सपोज करो यहाँ पे आपका 1000 फॉलोवर्स है ना, 1000,
तो आपकी फॉलोइंग पता कितनी होनी चाहिए, 200 या 2500, वरना मैं आपको फॉलो बैक नहीं दूंगा। अगर आपका दोनों पिक में भी लाइक फंस जाएगा ना, तब भी मैं आपको फॉलो बैक नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपके 1000 फॉलोवर्स हैं तो भाई आपकी फॉलोइंग होनी चाहिए 200, ठीक है ना। आपका 2000 फॉलोवर्स हैं तो आपकी फॉलोइंग होनी चाहिए 400। यहाँ पे आप किसी का भी उठा के देख लो जिसको भी मैंने फॉलो किया है ना भाई, उसकी फॉलोइंग आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अभी आप देख लो भाई, तो भाई समझ गए ना आपका मतलब। यहाँ पे आप जिस बंदे के देख लो 700 कुछ फॉलोवर्स हैं, ठीक है ना, और इसकी फॉलोइंग देख लो 2800 कुछ है। बायो में तो SD फैमिली लिखा होना चाहिए, प्लस 1000 अगर आपका फॉलोवर्स है आपके 200 फॉलोइंग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके 2000 फॉलोवर्स हैं तो आपकी 400 फॉलोइंग होनी चाहिए, अगर आपके 3000 फॉलोवर्स हैं ना तो आपकी 600 फॉलोइंग होनी चाहिए। फॉलोइंग पे मैं मोस्ट यहाँ पे फोकस जरूर करता हूँ। अगर आपका दो पिक में भी लाइक फंसता है ना, अगर आपकी फॉलोइंग जो मैं जैसे मैंने बताया हूँ 1000 पे 200 फॉलोइंग नहीं है तो नहीं फॉलो बैक करता हूँ, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप फॉलो नहीं करते हो किसी को तो आपके फॉलोअर्स कभी नहीं बढ़ेंगे, ये मैं पिछली वीडियो में बता के जा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर रियल फॉलो बनाने के लिए भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट रियल फॉलोवर्स ऐसा नहीं करूँ मैं हमेशा के लिए, आपको लाइफ टाइम के लिए इनको फॉलो करके रखना है, ठीक है ना। लाइफ टाइम के लिए फॉलो करके नहीं रखना भाई, जब तुम्हारा यहाँ पे 10K मैंने प्रॉमिस करा भाई 10K, तो जब तुम्हारा 10K फॉलोवर्स यहाँ पे हो जाए ना तो आप यहाँ पे जीरो कर देना भाई, जीरो कर देना भाई, आप मेरे को भी अनफॉलो कर देना भाई, मेरे को भी मत फॉलो करना भाई, मुझे भी अनफॉलो कर देना, आप जीरो कर लेना, ठीक है भाई। आपका दिल करे उसको फॉलो करना जब आपका 10000 यहाँ पे हो जाए, लेकिन जब तक आपको फॉलो करना है जैसे मैं आपको बताऊं मतलब 1000 फॉलोवर्स ज़्यादा लोगों को नहीं करना भाई, 1000 पे 200 तो कर ही सकते हो भाई, 1000 फॉलोवर्स हैं तुम्हारे तो तुम 200 को फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारा 5000 फॉलोवर्स है तो आपको यहाँ पे 1000 बंदों को फॉलो बैक करके रखना है भाई, तभी मैं आपके फॉलोवर्स बढ़ा सकता हूँ, वरना नहीं बढ़ा सकता, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी हो कितना भी बड़ो, प्लस आप चाहो तो एक फेक अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस वहाँ पे आपने देख लिया मेरा मेन अकाउंट, और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा एक सेकंड अकाउंट है, यहाँ पे देख रहे हो मेरा अकाउंट है आकाश राजपूत, ये आप सर्च करोगे SD आकाश राजपूत SD, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे भी मतलब जिस तरीके से मेरे पास दो अकाउंट है तो उस तरीके से आप दो अकाउंट पर भी बना सकते हो भाई। अगर आप मेन अकाउंट से भी फॉलो करना है, मेन अकाउंट से तो करना ही है भाई, 1000 पे 200 फॉलोइंग चाहिए मुझे, ठीक है ना। अगर आपका 1000 फॉलोवर्स है तो 200 फॉलोइंग चाहिए, बाद में कर लेना जीरो मेरे दोस्त, जब आपका 10 से 15, 20, 25 फॉलोवर्स बढ़ जाना है तब एटीट्यूड अच्छा लगता है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मेरा सेकंड अकाउंट है तो आपको दो अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। मेरा एक मेन अकाउंट अभी देख लिया शशि देवी 77, सेकंड अकाउंट आप देख रहे हो आकाश राजपूत SD, तो इस तरीके से आपका दो अकाउंट होने चाहिए। आप अपने सेकंड अकाउंट से भी बंदों को फॉलो कर सकते हो, जो जिसको भी मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ ना, आप यहाँ पे देख लो जिसको भी मैं यहाँ पे फॉलो किया ना भाई, उसको आपको दिल से फॉलो बैक करना है, फॉलो करना है भाई। आप अपने सेकंड अकाउंट से भी करो और मेन अकाउंट से जितना मैंने बताया उतना करना, मतलब 1000 पे 200 फॉलोइंग, ठीक है ना। सेकंड अकाउंट से तो करना ही करना है, ठीक है ना, दोनों अकाउंट से करना है। अगर आपको समझ में आ गया, आप इंस्टाग्राम पर डे अगर आप पर डे भी आ सकते हो, बेस्ट में नाम ला सकते हो, तो आपका 150 से 200 रियल फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर यहाँ पर मैं आपके सबके बढ़ा के दे रहा हूँ, ठीक है ना। जब आपका अच्छा खासा फॉलोवर्स बढ़ जाए ना तब आपको जीरो कर लेना, मुझे भी अनफॉलो कर देना भाई, मेरे को भी बोल देना थैंक यू भाई आपने मेरे 10K फॉलोवर्स बढ़ा के दिए, मैं आपको भी अनफॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को भी अनफॉलो कर लेना भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है भाई। तब तक आपको फॉलो करना है जब तक आपके 10000 फॉलोवर्स नहीं हो जाते, ठीक है ना। बाकी बात में आप देख लेना। अब आपको मैं सेकंड ट्रिक बताने वाला हूँ, दूसरी ट्रिक, ठीक है। सेकंड ट्रिक आपको, सेकंड ट्रिक क्या है भाई, मैंने आपको बताया था फेसबुक पर, मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको अच्छे खासे फ्रेंड बनाओ, ठीक है ना, फ्रेंड बनाओ, उनसे हेल्प लो, ऐड करो कुछ भी, मतलब फेसबुक पे बार बता दो फ्रेंड बना, तो आपको ऐसी हेल्प मतलब फ्रेंड बनाने, फ्रेंड कैसे बनाने, देखो अगर सपोज करो मान के चलो तुम्हारा 1000 फॉलोवर्स है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे, तो आपको ऐसे बंदे सर्च करने हैं भाई जिनका 1000 फॉलोवर्स हो, 1000 से 1500 कुछ फॉलोवर्स हो, ठीक है ना। तो उसको आपको मैसेज करना है भाई कि भैया स्टोरी फॉर स्टोरी, मतलब वो तुम्हारी स्टोरी डालेगा, वो आप उसकी स्टोरी डालोगे तो 15 से 20, 25 से 30 फॉलोवर्स आपके स्टोरी स्टोरी में बढ़ा सकते हो, समझ लो। रियल फॉलोवर्स के बारे में बता रहा हूँ, रियल फॉलोवर्स के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑटो फॉलोवर्स तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे मार सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है ना, बट रियल फॉलोवर्स के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है। मैंने भी की है भाई, ऐसी बात नहीं है, मेहनत की है भाई, ठीक है ना। तो स्टोरी फॉर स्टोरी मतलब अपने बराबर से, मतलब तुम्हारा 1000 है, किसी का 1500, उन 1500 फॉलोवर्स है, या किसी का 2000 फॉलोवर्स है, अगर तुम्हारा 2000 है फॉलोवर्स तो तुम अपने 2000 फॉलोवर्स वाले बंदे के पास जाओ कि भाई कि तुम 2000 तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, 2000 मेरे, या मान के चलो ज़्यादा से बड़े के पास मत जाना, ठीक है ना। तो तुम उसका स्टोरी लगाना और वो तुम्हारा स्टोरी लगा, अगर एक दिन में तुम दो बंदे की स्टोरी लगाते हो तो तुम्हारा 25-30 फॉलोवर्स वो
बढ़ेगी, 25 से 30 फॉलोअर्स बढ़ेंगे, स्टोरी खेल सकते हो साथ में, ठीक है ना। अब सेकंड लास्ट, वो लास्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से सुनना। और ये बहुत पुरानी है भाई, आज से नहीं, बहुत पुरानी, ओल्ड है, मतलब आज से नहीं, एक दो साल पुरानी है, लास्ट ट्रिक है, सबको पता होगा बट फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लास्ट ट्रिक थर्ड, यहाँ पे आपको देख रहे हो ना, ये मेरा अकाउंट, आप यहाँ पे आ जाओगे, जब आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आपको टाइमलाइन मिलेगी, ये इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे जैसे मतलब लाइक तो करना है, जो सपोर्ट करना है वो लाइक करना है, ठीक है। आपको रियल फॉलोअर्स बढ़ाने का एक लास्ट ट्रिक और बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे लाइक कर रहा हूँ ना, ऐसे लाइक करना है, बट आपको यहाँ पे आपको देखना है कोई जस्ट नाउ पिक अपलोड हुआ है ना, आपको जस्ट नाउ पिक वार्डर देखना है। जस्ट नाउ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जस्ट वन मिनट, आप देख रहे हो एक मिनट पहले पिक अपलोड हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लो अच्छे से, एक मिनट पहले ये पिक अपलोड किया है किसी ने, क्या हो, ठीक है ना। आप देख लो एक मिनट पहले अपलोड हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है एक मिनट पहले, ओल्ड पिक में मत चले जाना भाई मेरे इस तरीके के, ठीक है ना। अब देख रहे हो ये पिक अपलोड हुआ है 12 दिसंबर को, तो ऐसी पिक के मत जाना, आपको ऐसी पिक देखनी है जो जस्ट नाउ में अपलोड हुई है, 5 से 10 मिनट के बीच में, ठीक है। आप देख लो 2 मिनट पहले अपलोड हुई, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी लाइक में जाना है। ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये बंदे आपको फॉलो बैक करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फटाफट से इनको फॉलो करना है, ठीक है ना। इन सभी को कंटिन्यू फॉलो करना है, ऐसा नहीं करूँगा आपको मतलब फॉलो ही करते रहना है, मतलब एक दिन में आप अगर 200 बंदों को फॉलो करते हो यहाँ से, अगर एक दिन में अगर 200 बंदों को फॉलो करते हो, तो भाई उनमें से 50 बंदे आपको फॉलो बैक 100% करेंगे। ये रियल ट्रिक है भाई, यूज़ करके देखना भाई, आपके रियल फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। बट ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ऐसा मत जाना कि भाई कोई ओल्ड पोस्ट पे चले जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखते जाना आपको टाइमलाइन पे, अब देख रहे हो ना ये बहुत सारे ओल्ड पिक हैं, अब देख रहे हो 10 जनवरी है, तो आप इस लाइक में जाके किसी को फॉलो करते हो तो भाई कोई नहीं फॉलो बैक करने वाला आपको। आपको देखना है अच्छे से जो फिलहाल में अपलोड हुआ है जस्ट नाउ में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना एक मिनट पहले या 5 मिनट पहले, जस्ट नाउ जो पिक अपलोड हुआ है ना, अभी आप देख लो, अभी आप देख लो 5 मिनट पहले ये भाई ने पिक अपलोड किया, ठीक है ना। इस भाई ने तो 5 मिनट पहले अपलोड किया, 5 मिनट में आप देख रहे हो 7 से 8 लाइक हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फटाफट से इन सभी को फॉलो करना है भाई, इनको फॉलो करोगे ना भाई, अगर आप 200 एक दिन में फॉलो करते हो ना, ये रियल ट्रिक बता रहा हूँ, ऑटो के लिए भाई बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो 200 को अगर एक दिन में फॉलो करते हो भाई, इनमें से 50 बंदे आपको 100% बोल रहा हूँ मैं आपको, 100% 50 बंदे आपको 100% फॉलो बैक करेंगे, ठीक है ना। यहीं से आपको फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके रियल, देख रहे हो ना ये सारी लाइक जस्ट नो वाली, ये सारे ऑनलाइन बैठे होंगे, तो आपको चेक करना अच्छे से टाइमलाइन पे। और भाई देखो, और लाइक जब करते हो तो आपको पता ही होगा, जब आप 8 से 9:30 बजे के बीच में सपोर्ट करते हो तो भाई टाइमलाइन इतना फास्ट होता है किसी को नहीं पता चलता, जो पिक अपलोड हुआ है वो गायब हो जाता है, देख रहे हो सारे पिक गायब हो गए, ठीक है ना। तो आपको यही 3 ट्रिक मैंने जो आपको बताई, अगर आप ये 3 ट्रिक अप्लाई करते हो तो भाई अपने इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पे बेस्ट सपोर्टर बनना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बेस्ट सपोर्टर कैसे बनना है वो मैं पूरा बता चुका हूँ, वीडियो को दोबारा देख लेना, पोस्ट करके देख लेना, सब कुछ देख लेना, ठीक है भाई। तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दिया, प्लस आप यहाँ पे देख लो अच्छे खासे, मतलब यहाँ पे देख लो जस्ट मतलब 31 सेकंड पहले ये पिक अपलोड हुआ, ठीक है ना। अब आपको देखना भाई 31 सेकंड हुए, ठीक है ना। आप इस पिक के लाइक में जाके मतलब उन लोगों को फॉलो करना है, ठीक है ना। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो 3 ट्रिक बताई हैं, अगर आप इनको यूज़ करते हो तो भाई अपने इंस्टाग्राम पर रियल फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। इन्हीं ट्रिक की वजह से रियल फॉलोअर्स के लिए आपको ये ट्रिक अपलोड करनी मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके रखना। तब तक के लिए टेक केयर, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।